हेलो माय डियर लियो, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो नेक्स्ट ईयर है 2025 की पांच ऐसी भविष्यवाणी जो कि 1000% सच होकर रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो भविष्यवाणी, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि इस 2025 में आपको कैसे गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एनिस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनिस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया की किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ही आराम से बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कार्ड्स दे रही हूँ आपके करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, देन मैं लव लाइफ की मैसेजेस भी आपके लिए लेकर बताने वाली हूँ। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर देखिएगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 2025 में आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एक गाइडेंस भी है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसका हो सकता है 10 गुना आपको मिले। मतलब ये आपकी प्लानिंग रहने वाली है कि 2025 में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ग्रोइंग दिखाई दे रहा है, बहुत ग्रो करने वाले हो। और ये भी कहा जा रहा है कि 2025 दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट। ये ऐसा समय है जिसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया तो ज़िंदगी का सबसे अच्छा मतलब साल बन सकता है। ठीक है, फाइनेंस के मामले में सेट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड यू विल सी द फ्रूट्स ऑफ और ऑफ योर लेबर। जो आप मेहनत कर रहे हैं ना उसका आपको एक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। अगर अभी भी आपने फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन किया है तो उस एग्ज़ाम को आप क्लियर भी करेंगे और उसकी जॉब आपको नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएगी, आपके हाथ में जॉब होगा। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक सॉलिड फाउंडेशन या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप क्रिएट कर रहे हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे कि आप उस राह पे, उस पाथ पे चल सके। उस पाथ पे अगर आप चलेंगे आपको पता होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे रेस्टोरेंट हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई भी बिज़नेस हो सकता है, आप कर सकते हो, करते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ये तो आपका इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स से मतलब मल्टीपल सोर्सेज आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं पैसे के। सिर्फ एक सोर्स नहीं होगा, जैसे अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसी से आपको पैसा मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और बहुत सारे जगह से आ रहे हैं और ये चीज़ आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आपका जैसे आप जॉब करते हैं उसमें और भी जॉब आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आपको फ्रीडम बहुत मिल रहा है। फ्रीडम आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फ्रीली रहोगे और फाइनेंशली भी फ्री रहोगे। फाइनेंशली आप 2025 में बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, बहुत सिक्योरिटी रहेगी, ये बात ध्यान रखिए। और कोई ऐसा जॉब मिल रहा है जिसमें कि आपको बहुत फ्री टाइम भी मिलेगा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का या अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का। ठीक है, आप कोई लीडर वगैरह तो नहीं बन रहे, लेकिन हाँ आपको एक सेटिस्फैक्शन भरा या सेटिस्फाइड जॉब मिल सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 2025 के लिए। और भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है 2025 के लिए। तो सबसे पहले कमेंट में लिखिए आई क्रिएट मिरेकल्स इन माई लाइफ। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा मिरेकल 2025 में अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। कमेंट में लिख सकते हैं आई एम ओपन टू अबंडेंस एंड रिकॉग्नाइज वैल्यू इन वर्क ग्रेट एंड स्मॉल। तो 2025 में पहली बात तो आप बहुत ओपन हो रहे हैं, अपने विंग्स को फैला रहे हैं। ठीक है, आपकी डेस्टिनी 2025 में बहुत सुंदर रहेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी। आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने आपके पैसे वैसे लेकर रखे हैं तो वो पैसे रिटर्न कर दोगे। ठीक है, अगर आपने ले रखा है तो आपका कर्ज ख़त्म होगा, अगर किसी ने आपसे ले रखा है तो वो आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आप सिविल सर्वेंट वगैरह भी बन सकते हैं, सोशल जो सर्विस होता है वो भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक वंडरफुल शिफ्ट अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। जो भी आपके सपने हैं वो मिराकुलसली रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं और आप बहुत तेज़ी से 2025 में आगे बढ़ते चले जाओगे। आपके अंदर मतलब निगेटिविटी से ओवरकम करने की क्षमता जो होती है ना, ओवरकम करने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। निगेटिविटी थोड़ी बहुत आएगी तो तुरंत आप ओवरकम कर जाओगे। ओके, तो आपके ड्रीम्स मैं देख पा रही हूँ कि रेडी हो जाए, गेट रेडी बिकॉज योर ड्रीम आर अबाउट टू बिकम अ रियलिटी। क्योंकि आपके सारे ड्रीम्स 2025 में रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं।
ठीक है, और ट्रस्ट करना है इन द प्रोसेस, और ऐसा लिखना है आई एम अ मिरेकल वर्कर, मैं एक मिरेकल वर्कर हूँ, जो मैं चाहूँगा या जो मैं चाहूँगी वो मुझे मिलेगा, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहती हूँ, 2025 में कोई भी काम करे, चाहे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, काफ़ी मर्सी और कंपैशन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मेंटली अगर आप इस साल बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, ठीक है, बहुत परेशान रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही बैलेंस वेल बैलेंस पर्सपेक्टिव, मेंटली आप बहुत स्टेबल रहेंगे और काफ़ी पर्सपेक्टिव आपका बैलेंस रहेगा। तो कमेंट में लिख सकते हो आई हैव अ बैलेंस मेंटल पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर लव लाइफ की बात की जाए, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपके किसी के साथ पार्टनर के साथ हो और उनके साथ आपका बहुत मूड स्विंग होता है, सामने वाला का बहुत मूड स्विंग होता है, रिश्ते बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकते रहते हो रिश्ते में, तो रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ कि एक डिवाइन एनर्जी आ रही है, डिवाइन स्टेबिलिटी आ रही है, आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मर्सी कंपैशन काइंडनेस आपके लिए डेवलप हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी लव लाइफ में है, तो आपकी लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल अच्छी हो रही है, आप उस पर्सन के साथ दिल से भी और दिमाग से भी हर तरीके से कनेक्ट हो रहे हो, जो भी आपके डर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो आप इतना रोते हो, ठीक है, मूड स्विंग्स होता है, वो सब भी आपका ओवर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर आप किसी रिश्ते में मैरिड पर्सन हो, कुछ भी है, तो उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपके साथ हार्ट टू हार्ट एंड माइंड टू माइंड कनेक्टेड रहेंगे, कोई लव लाइफ में आ सकते हैं, ये सिंगल के लिए इन्फॉर्मेशन है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेनुइन लिंक मिल जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।